समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कल हुआ अयोध्या दौरा। अयोध्या के रुधोली विधानसभा में जनसभा को किया संबोधित। अपना दल यस की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का भी हुआ कल अयोध्या दौरा। अयोध्या की दो विधानसभाओं में जनसभा को किया संबोधित। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कल अयोध्या का किया दौरा। 2:30 बजे भाजपा चुनाव कार्यालय पर की प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता के बाद रामलला हनुमानगढ़ी के किए दर्शन पूजन। मणिराम दास छावनी में महंत नृत्य गोपाल दास से की मुलाकात। राजस्थान में हुआ एक बड़ा हादसा। चंबल नदी में गिरी बारात ले जा रही कार, दूल्हा समेत 9 लोगों की हुई मौत। राजस्थान के कोटा जिले में रविवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें बारात ले जा रही एक कार अनियंत्रित होकर कोटा के नयापुरा पुलिया से चंबल नदी में गिर गई। इस हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक कार में मौजूद लोग बारात जा रहे थे। मरने वालों में दूल्हा भी शामिल है। कार अनियंत्रित होने के कारण बताए जा रहे हैं कि जिसमें शराब पीकर गाड़ी चलाना भी बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी को बाहर निकलवाने का काम किया। बेकाबू होकर बाइक ट्रक में भिड़ी, 2 लोग हुए घायल। थाना तरबगंज क्षेत्र के दुर्जनपुर घाट निवासी इमरान पुत्र नजीर अहमद और बाबा दीन की शुक्रवार शाम बेकाबू होकर बाइक ट्रक से भिड़ गई, जिसमें बाइक सवार इमरान गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बाबा दीन को मामूली चोटें आई। प्रशिक्षण में गैर हाजिर 29 कार्मिकों के खिलाफ निलंबन के साथ ही FIR के भी आदेश। मतदान कार्मिकों के द्वितीय प्रशिक्षण से गैर हाजिर रहने वाले 29 कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन के साथ ही FIR दर्ज कराने की कार्रवाई की गई। प्रभारी अधिकारी कार्मिक CDO शशांक त्रिपाठी ने बताया कि LBS PG कॉलेज में मतदान कार्मिकों का द्वितीय प्रशिक्षण शुरू हुआ था, जिसमे 4th दिन कुल 29 कार्मिक अनुपस्थित रहे, जिनके खिलाफ निलंबन के साथ ही FIR दर्ज कराने का आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए गए। इस प्रकार प्रशिक्षण में 9 कर्मचारी विलंब से आए, जिनका प्रशिक्षण आगामी 23 फरवरी को कराया जाएगा। और अगली खबर तरबगंज गोंडा से है। वजीरगंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत दुर्जनपुर घाट में पंचायत भवन निर्माण रोकने की याचिका को हाई कोर्ट की डबल बेंच ने खारिज कर दिया है। बताते चलें कि ग्राम पंचायत दुर्जनपुर घाट में कंपोजिट विद्यालय के बगल स्थित नवीन परती की जमीन का प्रस्ताव ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण के लिए किया गया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने उक्त जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण का मढ़ा रख दिया, जिसकी सूचना लेखपाल राम ललन और ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी कुलदीप सिंह को दी, जिसके बाद टीम गठित कर प्रशासन ने जमीन का चिन्हांकन तो करा दिया, लेकिन अवैध अतिक्रमण नहीं हटा सके। इसी बीच गांव के ही अवध राज सिंह ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में पंचायत भवन निर्माण रोके जाने की याचिका दाखिल की, जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अतुल रहमान मसूरी और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की पीठ ने नवीन परती की जमीन पर प्रस्तावित पंचायत भवन के निर्माण में किसी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। लखनऊ के PGI क्षेत्र में तैनात महिला सिपाही रुचि सिंह की हत्या के आरोप में एक तहसीलदार को गिरफ्तार किया गया है। प्रतापगढ़ के रानीगंज में तैनात तहसीलदार ने हत्या की साजिश रची थी। पूछताछ किए जाने पर बताया गया कि फेसबुक के जरिए रुचि से उसकी दोस्ती हुई थी, दोनों के बीच गहरे संबंध थे। रुचि पहले से ही विवाहित थी, फिर भी वह लगातार तहसीलदार पर शादी करने का दबाव बना रही थी। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में राज्य के 59 सीटों पर वोटिंग जारी है। हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर व महोबा जिलों की विधानसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चला। शाम 6 बजे मतदान केंद्र के परिसर में जितने भी लोग कतार में रहे, उन्हें वोट देने का अधिकार मिला। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान हुआ। इस दौरान सपा अध्यक्ष और पूर्व CM अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल के साथ जसवंत नगर में मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने CM योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि UP से बाबा मुख्यमंत्री की विदाई होने वाली है, UP के किसान उन्हें माफ नहीं करेंगे। वहीं डिंपल यादव ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान हुआ। इस चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर है। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि फर्रुखाबाद की 193 अमृतपुर विधानसभा के बूथ नंबर 38 पर EVM पर साइकिल चुनाव चिन्ह नहीं है। पार्टी ने चुनाव आयोग और जिला प्रशासन से इस पर संज्ञान लेने की अपील की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि घोर परिवारवादी आपको बिजली नहीं बिजली का झटका देने के लिए तैयार बैठे हैं। जिनके काले कारनामे ही अंधेरे में फलते फूलते हैं वो परिवारवाद कभी प्रदेश में उजाला नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि मुझे बराबर याद है कि उत्तर प्रदेश में बिजली अगर आती है तो एक जमाने में खबर बन जाती थी। बिजली का जाना स्वाभाविक था, जैसे घर में साल में कभी मेहमान आ जाए वैसे यहाँ बिजली मेहमान की तरह आती थी। यूपी के श्रावस्ती में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए अखिलेश यादव, राहुल और प्रियंका गांधी जनधन खातों का मजाक उड़ाते हैं। अब उन्हें इसका मतलब समझ में आ गया था। इसका मतलब था कि हर 3 महीने में 10.50 करोड़ किसानों के खातों में 2,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में वर्ष 2009 में एक व्यक्ति की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहे दो भाइयों को मृतक के बेटे की वर्ष 2008 में की गई हत्या के मामले में दूसरी बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जय सिंह पुंडीर की अदालत ने मुजफ्फरनगर निवासी सुहेल और हसीन नामक भाइयों को वर्ष 2008 में नासिर के बेटे अबाद की हत्या का दोषी ठहराने के बाद सजा का ऐलान किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और पत्नी डिंपल यादव ने जसवंत नगर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोट देने के बाद अखिलेश यादव ने भाजपा की योगी सरकार पर जमकर बरसे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने आतंकवादी से पिता के रिश्ते पर सफाई भी दी। अखिलेश यादव ने कहा कि कोई भी आतंकवादी है उस पर कार्रवाई की जाए, आतंकवादियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बीजेपी चैटर्जी से चलती है, उन्हें पता है कि चुनाव पहले आरोप लगाया है, आतंकी का मुद्दा बीजेपी की चाल है। उत्तर प्रदेश की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लाइनों में वोटर्स खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच कानपुर के मेयर प्रमिला पांडे और डीएम के आदेश पर नियमों की अनदेखी करने को लेकर FIR दर्ज हो गई। दरअसल उन्होंने EVM में वोट देते हुए अपनी तस्वीर सार्वजनिक कर दी। मेयर ने कानपुर शहर की हडसन पोलिंग बूथ पर मतदान किया था। मतदान करते हुए EVM की फोटो खींचना सख्त मना है। समाजवादी पार्टी ने करहल से रोके जाने का आरोप लगाया है। सपा ने एक ट्वीट कर कहा कि मैनपुरी जिले के विधानसभा करहल के भागपुर गांव में बूथ नंबर 244-245 पर ग्रामीणों को वोट डालने से रोका जा रहा है। सपा ने चुनाव आयोग और जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि संज्ञान लेते हुए पारदर्शी और भय मुक्त मतदान कराना सुनिश्चित करें। वहीं पुलिस ने दावा किया कि कहीं कोई समस्या नहीं है, मतदान ठीक चल रहा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की बिलग्राम मल्लावा विधानसभा सीट की चुनावी माहौल काफी रोचक दिख रहा है। इस सीट की खास बात ये है कि 2017 के चुनाव में पहली बार बीजेपी ने यहां कमल खिलाया था और पहली बार चुनावी मैदान में उतरे आशीष सिंह आशु के सिर पर जीत का सहारा बना था। हालांकि इस बार के चुनाव में आम लोग भाजपा की योगी सरकार के साथ साथ स्थानीय विधायक आशीष से भी नाराज नजर आ रहे हैं। बदायूं के बिल्ली पुलिस ने क्षेत्र के गांव सिरतोल से फर्जी और डुप्लीकेट आधार कार्ड बनाने वाले दो आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों ने कबूल किया है कि वह प्रिंटर और फोटोशॉप के माध्यम से फर्जी आधार कार्ड बनाकर लोगों को बेचते थे। शनिवार को पुलिस लाइन सभागार में SP देहात सिद्धार्थ वर्मा ने खुलासा किया तो वहीं सहसवान विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी DK भारद्वाज ने फर्जी आधार कार्ड से फर्जी मतदान बसपा प्रत्याशी पर कराने का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयोग व निर्वाचन आयोग से शिकायत की है, जिसमें पुनः मतदान कराने की मांग भी की गई है। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।